गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अरुषा व्लॉग। फ्रेंड तो अभी हम जा रहे हैं नागपुर के एक और हिडन जेम पे जो कि है सुरावल्डी शिव टेम्पल और काफी अच्छा है वो टेम्पल। अभी जैसे सावन चल रहा है तो सावन का आज लास्ट सोमवार है तो उसमें माहौल भी काफी अच्छा होगा और नॉर्मल टाइम में भी काफी अच्छा माहौल रहता है। तो चलिए हम चलते हैं और दिखाते हैं कि वो टेम्पल कैसा है और कहाँ से जाना है कैसे जाना है। तो ये हम अभी अमरावती रोड पे है और अमरावती रोड पे जैसे ही हम आगे जाएंगे थोड़ा सा राइट कटना है, मैं दिखाऊंगा आपको। फ्रेंड्स तो ये हम पहुंच गए हैं, ये गांव का नाम है सुरावल्डी, गांव का ही नाम है और इसी के नाम पे वो शिव टेम्पल है। तो हम यहां से यू टर्न लेते हैं क्योंकि वो राइट साइड है, यू टर्न लेके हम रास्ते पे जाएंगे। ये हमने यू टर्न ले लिया, ये देख सकते हैं शंकर मोचन हनुमान मंदिर सुरावल्डी और यहीं आगे मैं दिखाता हूँ। अभी हम लेफ्ट साइड कटेंगे, यहाँ से लेफ्ट पे रास्ता है और ये यहाँ से हम जाएंगे शिव टेम्पल। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप जानते हैं कि मैं नागपुर और भंडारा के आसपास की सारी चीज़ें आपको डिटेल में डिस्क्राइब करता हूं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है नागपुर और भंडारा वालों को। और आप कहीं भी हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जब भी आप नागपुर आएंगे तो आप यहाँ मेरे ब्लॉग में आप सारी चीज़ों का डिटेल अच्छे से जान पाएंगे। तो ये लगभग हम पहुँच गए हैं सुरावल्डी शिव टेम्पल के पास में और यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी पार्किंग दिख रही है, ये देख सकते हैं आप इस साइड से, देखिए यहाँ पे पार्किंग है और अच्छी पार्किंग है यहाँ पे। तो अभी हम पहुँच गए हैं पार्किंग में और देखिए यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई है, हमने भी अपनी गाड़ियाँ लगा दी है और हमारे साथ फिर से हमारी पूरी टीम है। बुग्गो हाय कर दो। तो चलिए हम आगे चलते हैं टेम्पल पे और आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पे टिकट काउंटर है और हमें अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर पर्सन 30 रुपीज़ का टिकट है और हमने सबका टिकट ले लिया है और ये यहाँ का एंट्री गेट है जहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा है और अंदर म्यूजिक चल रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 5D एडवेंचर शो है और एक स्नैक्स स्टोरी भी है जो मैं आपको आगे दिखाऊँगा। मतलब यहाँ पर अदर एक्टिविटीज़ भी हैं आपके करने के लिए और खाने पीने की भी व्यवस्था है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है यहाँ पर। फ्रेंड्स तो अभी हम पहुंच गए हैं टेम्पल के पास और देखिए कितना ज़बरदस्त माहौल है। यहाँ पे शिव पार्वती और गणेश जी का टेम्पल है जो एक हिल टाइप के स्ट्रक्चर पे बनाया हुआ है और यहाँ पे झरना टाइप का भी गिर रहा है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी अच्छा लग रहा है और फ्रंट से देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा आनंद का अनुभव होगा यहाँ पे। फ्रेंड्स और यहाँ से ये ऊपर जाने का रास्ता है तो चलिए हम यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं ऊपर में क्या है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऊपर में 12 शिवलिंग है और काफ़ी अच्छी गुफा है तो वो गुफा देखते हैं हम कैसा है। यहाँ पे मेरी माइक की बैटरी ख़त्म होने वाली है तो प्लीज़ अगर थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाता है तो आप वॉइस से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो हम फाइनली आ गए हैं ऊपर और यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। और यहाँ पे देखिए वर्षा के अभी अलग ब्लॉक चल रहा है, पर लली हमारा रक्षाबंधन वाला ब्लॉक चल रहा है तो वो भी चालू है तो एक साथ दो दो ब्लॉक चल रहे हैं देखिए आप। ये ऊपर से मैं नीचे का भी माहौल दिखा देता हूँ। नीचे में ये पानी है और वो प्लेस है जहाँ से हम आए थे, मेन टेम्पल के बाजू से यहाँ पे एक ये गुफा जैसे जो दिख रही है, इसमें यहाँ से 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन लिखा है। यहाँ हम अंदर जाके देखते हैं कि ये कैसा है। फ्रेंड्स ये 12 ज्योतिर्लिंग है जो इसकी एंट्री यहाँ से शुरू हो रही है। तो यहाँ से फाइनली हम एग्जिट हो गए हैं
और अंदर फोन अलाउ नहीं था इसलिए मैं नहीं दिखा पाया, बट मतलब मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे इतना कहीं ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी लंबा है गुफा, जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है और 9 दुर्गा है और फिर लास्ट में वैष्णो देवी का टेम्पल है, तो काफ़ी अच्छा है और अंदर काफ़ी नीट एंड क्लीन है, एक भी आपको धूल वगैरह नहीं दिखेगी कहीं भी कोई भी मतलब गंदगी नहीं है, अनहाइजीन नहीं है, तो काफ़ी अच्छा है। चलो हम बाकी कभी फीडबैक लेते हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आने से, और ये इस तरह से ये जो पहाड़ जैसा आपको दिख रहा है इसका एक नज़ारा, ये एक्चुअली आर्टिफिशियल है लेकिन आप एक तरह से उसको असलियत का अनुभव करेंगे, जैसे प्राकृति ही है तो आप इसमें डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि मैं कुछ रियल जगह में नहीं हूँ, मत ऐसा करके। काफ़ी अच्छा है, ये बहुत बढ़िया। आपको कैसा लगा लड्डू? मेरे को अच्छा लगा। अच्छा लगा, अंदर में मज़ा आया? हाँ। गुफा में? हाँ। और कितने सारे जय भगवान जी थे? इतने सारे थे। फ्रेंड्स, इधर कुछ ये मिठल रुक्मणी मंदिर दिख रहा है, तो यहाँ हम जाके देखते हैं कि कैसा है वो। ये है वो मिठल रुक्मणी टेम्पल, और ये जो मेन जो मतलब हिल वाला जो मतलब है टेम्पल है, जो मेन मूर्ति है, उसके बाहर का ये जो ग्राउंड है, ये अभी बारिश के कारण थोड़ा सा मेरे को कीचड़ दिख रहा है, बट मेरे ख्याल से ठंड के दिन में काफ़ी अच्छा रहेगा। आप यहाँ पे बैठ के काफ़ी अच्छे से इन्जॉय कर सकते हैं, काफ़ी देर टाइम पास कर सकते हैं आप अपना, और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। कैसा लगा? मैं तो बहुत अच्छा लगा अंदर। फ्रेंड्स, ये हमारे घर के जो बच्चे हैं ये किसी भी टेम्पल में ही जाते हैं, जैसे ही कोई टेम्पल जाते हैं तो रोने लग जाते हैं, लेकिन ये टेम्पल इनको पसंद आया, मतलब आप समझ सकते हैं, है ना? क्या होता है? और ये जो मेन टेम्पल है यहाँ पे, इसके बाजू में इस साइड में दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पे एक छोटा सा फूड कोर्ट है, तो जहाँ पे आपको कुछ खाना होगा तो आप खा सकते हैं। मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं खाना था, बट आपको मैं दूर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से ये एडवेंचर पार्क एंड रेस्टोरेंट का रास्ता है जो कि आप देख सकते हैं, तो चलते हैं हम आगे। देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी बड़ा हॉल टाइप का है और अच्छा बड़ा ग्राउंड है, जहाँ पे घास भी अच्छी लगी हुई है, तो काफ़ी अच्छा मैदान है, यहाँ पे आप आके पिकनिक वगैरह मना सकते हैं फ्रेंड्स। और वो रहा हमारा टेम्पल, टेम्पल के इस साइड ये बड़ा सा जो ग्राउंड है जहाँ पे आप पिकनिक वगैरह मना सकते हैं, और इस ग्राउंड के फिर इस बाजू में ये देखिए, यहाँ पे ये एडवेंचर पार्क है बच्चों के खेलने वगैरह के लिए, यहाँ पे झूले वगैरह हैं छोटे मोटे, और इधर एक फूड कोर्ट है जो अभी हम पास से जाके देखते हैं। यहाँ पे एक 5D एडवेंचर राइड करके भी है, जिसमें 100 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं कि ये कैसा है। यहाँ पे ये डैशिंग कार भी है, बच्चों का मिनी बोट है, ये छोटा मोटा एडवेंचर भी है यहाँ पे फ्रेंड, और ये वो फूड कोर्ट है जो वहाँ पे लिखा हुआ था, तो फूड कोर्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बैठने की भी जगह है, तो आपको अगर कुछ छोटा मोटा खाना होगा तो आप यहाँ पे खा सकते हैं। हमारा फाइनली हो गया पूरा घूम के, और अभी हम आ गए हैं बैक टू आवर पार्किंग। तो फ्रेंड, मैं इसका रिव्यू देना चाहूँगा, ये मैंने जितना एक्सपेक्ट करके आया था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि वर्षा मुझे 2-3 दिन पहले बोली थी कि यहाँ पे सूरा बल्डी में कोई शिव टेम्पल है, हम जाके देखते हैं करके, बट मैं उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, बट मैं आया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप ज़रूर यहाँ पे विजिट कीजिएगा, मस्ट विजिट है ये, और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तो ये था हमारा ये छोटा सा वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले नागपुर और भंडारा के आसपास की सारी वीडियो आपको मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।